तुम्हारी शादी मुझसे होगी। और देखो वादा पूरा करने आ गया। मैं भागूंगा और फिर बाद में ये भी भागेगा। हाँ। भागिए यारो। तमेव बंधु चाशखा तमेव। ये शादी जबरदस्ती हो रही है। यारो मजबूर है, उसकी हेल्प करने के बजाय यारो इस सिचुएशन से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, यारो को कुछ नहीं पता। जा यारो जा। अरे ये बागड़ बिल्लो, सच सच बताओ, अरे वो यारो हम सबको यहाँ ठोकर के कहाँ चला गया, और वो भी हमारे परमिशन के बिना। आए कुछ भी बोलो। चतुर्वेदी जी, हमें क्या पता, हम खुद सस्पेंस में। हमें पता है, अरे वो गुंडों के डर से ना वो बुजदिल भाग गया है, वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा। हाँ अमर प्रेम डॉली संजू कहाँ है? अरे यार वो रंजीत उसे अंदर ले गया है शादी करने के लिए। हाँ यार जा, तू जा अपनी संजू के पास और सीन अपनी जिंदगी। ये डडोली वो गया, जा जा कर रही है। अरे वो अकेला हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। तो हम भी चलते हैं उसके साथ। पगली हो क्या है, पुलिस को बुलाते हैं। हाँ हेलो पकड़ो इन गुंडों को, वो भी भागने ना पाए। यारो तो ठीक है ना? हाँ मम्मी यारो एकदम ठीक है। अरे हम तो अभी आए हैं और ये सब तो किसने की भाई? तेरे यारो ने। ओ, 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 यस। मैं तो जा रहा हूं जेल में, लेकिन तू भी बाहर नहीं रहेगा। जो आप नहीं जानते हो मैं जानता हूं। ये इंसान नहीं है, रोबो है, रोबो रोबो है, रोबो। पुलिस वालों की जनरल नॉलेज पे सवाल उठा रहा है? 2 साल से जानता हूं मैं, 2 साल से। आई समझ में? और नहीं तो क्या, 2 साल से। अरे पोस्टमैन साहब। ए? क्या ना कपड़े एक जैसे ही होते हैं ना, इसलिए सॉरी सॉरी। मतलब हवलदार साहब। ए? इंस्पेक्टर हो गया हूँ। सॉरी सर, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ जी, 2-3 बार ऐसे पार्टमेंट कर चुका है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं सच कह रहा हूं, ये रोबो है, रोबो। तावड़े। जी साहब। इन गुंडों को तुम जेल में डालो और इस पागल को मैं पागल खाने में डिपॉजिट करा के आता हूं। चल यहां से। पापा यारो ने बॉलीवुड मुंह में देखा है कि फेरे की शुभ घड़ी बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती है। पापा जल्दी से यारो के फेरे करा दीजिए। क्या हंस रहे हैं आप? अरे अब तो लड़की भी बच गई, अब कर करके कुछ करना होगा ना। किसी भी तरह शादी को रोकिए अग्रवाल साहब, जल्दी यारों को अपने आप से सिंक्रोनाइज करिए और यहाँ से भाग जाइए, भाग जाइए। पीना जी ये बैटरी देखिए कितनी लो है उसकी, मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय, कुछ भी नहीं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक नथिंग। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अग्रवाल साहब आई होप आपने कर करके प्लानिंग कर रखी है, एनी हाउ हमें शादी को रोक रोक के रोकना ही है। पीना जी बस एक बार ये चार्जर कनेक्ट करने का मौका मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब बरबथू का गठबंधन कीजिए।
धक्का मिल गया। डॉली आओ बेटा, गठबंधन करो इनका, आओ आओ। जी जी। ओ मैं नवद्दो वली राजा धानविंदम महावला। सुखी रहो सुखी रहो। चलिए अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। वर नहीं यार हूं। हाँ हाँ लीजिए। जैसे ही यारो 40% चार्ज हो जाएगा मैं नीचे जाके इसको अपने साथ सिंक्रोनाइज कर लूंगा, फिर मैं भागूंगा और ये भी भागेगा और शादी कैंसिल हो जाएगी नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हे भगवान, ये तो मेरी दीदी और जीजा जी के शादी को बिगाड़ने का प्लान बना रहे हैं, अब क्या होगा। पर अबधु के मांग में सिंदूर भरे। अभी तो बताया था वर नहीं यारो हूं। हाँ आप जो भी हैं सिंदूर भरी। यारो गाल पे नहीं। अरे लोमड़ी तुमने क्या किया, ये सिंदूर बेटा यहां लगाया जाता है गाल में नहीं लगाया जाता। बधू के लगाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्यो वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाहा। 40% हो गया बिना जी, 40%। मैं नीचे जाता हूँ जाके इसको अपने साथ सिंक्रोनाइज करता हूँ, फिर मैं भागूंगा और ये भी भागेगा। ओके पर निकलूं कहाँ से, कैसे यहाँ से। फोन फोन का बहाना। हेलो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फोन आ गया किसी का अर्जेंट। अरे मैं आता हूं अभी। चलिए अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंत्र याद कर लेते हैं लेकिन नाम नहीं, वर नहीं यारो हूं। सिंक्रोनाइज कंप्लीट, भाग अग्रवाल भाग। हेलो अमर। अरे अरे मंडप छोड़ के कहाँ जा रहा है। अरे बीना जी आपका बेटा लगता है पागल हो गया है, ये क्या भाग रहा है। नॉट ब्रांडेड, मेरा लड़का तो ऐसा ही है, अगर आपको पसंद नहीं है तो रिश्ता तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। अरे ये आके वापस क्यों आ गया। अरे यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक मेरा पीछा छोड़ मेरे भाई। ये क्या कर रहे हो, इधर उधर भाग क्यों रहे हो। यारो को नहीं पता उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है लेकिन बस वो भाग रहा है। अरे बेटा मैंने तुमको अग्नि के फेरे लेने के लिए बोले थे, पूरे मंडप के फेरे लेने को नहीं बोले थे। चलिए अग्नि के फेरे लीजिए। हाँ फेरे शुरू करिए। लोमड़ जल्दी कर बेटा, अरे खाने का समय निकला जा रहा है। hey!
ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अग्रवाल साहब नीचे गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? मैं ही नीचे जाके देखती हूँ। ए लोमार, बेटा आराम से। अरे अरे भाई, सात फेरे पूरे हो गए, मंत्र भी पूरे हो गए, अब तो रुक जाओ। अग्रवाल साहब, रुकिए, स्टॉप स्टॉप। शू शू शू, ये क्या कर रहे हैं आप? गोल गोल क्यों घूम रहे हैं गाड़ी के? अरे मैं क्या करूं, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया बीना जी। अरे लेकिन आप यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं, वहाँ यारो अंदर गोल गोल घूम रहा है। ऐसे करते करते उसके फेरे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी उसकी। ओह माय गॉड। अच्छा चलो, मैं स्पीकर नाइट को बंद कर देता हूँ। चलिए अंदर चलिए, आइए चलिए। अरे रुकिए रुकिए, शादी संपन्न हुई। थैंक गॉड। अरे भाभी जी कहाँ गए थे भाई आप लोग? देखिए लोमर ना 60 फेरों की जगह पे 160 फेरे ले डाले। एक नंबर का लोमर है भाई ये। नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन क्या सिखाया इसको तुमने? अरे ये तो बहुत फायदे वाली बात है, 107 फेरे ले लिए, अब ये 107 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल सही कहा होगा कबाड़ी, तुमने पहली बार सही बात की। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाइए अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। कोई नहीं, बस बस चल चल। यार इस घड़ी में तुमको क्या हो गया? एजी डार्लिंग, आप इतना फूट फूट के क्यों रो रहे हैं? नहीं ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं। डार्लिंग मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, अब जल्दी से मुझे विदा करो। हाँ तो खुशी की बात पे अमर प्रेम अब यारो के घर जाएंगे और सुहाग रात की सेज रेडी करेंगे। यारो ने इंटरनेट पे सर्च किया था, यार दोस्त भाई बहन रिश्तेदार सुहाग की सेज रेडी करते हैं। ऑफ कोर्स। मम्मी प्लीज घर की चाबी दे दीजिए। अमर प्रेम जाओ जल्दी, जाओ जल्दी से सब कुछ रेडी करो। यार और संजू आ रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अरे सुबंधी जी आप बार बार क्यों रो रहे हैं? बेटी तो मेरी विदा हो रही है, रो आप रहे हैं क्या? ये वो क्या है ना गोगा जी, अभी थोड़ी देर में आप अपनी बेटी से बिछड़ने वाले हैं। तो क्या है, ये दुख हमसे देखा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, अलग होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं हमने कहाँ जाना है भाई, हमने तो यही रहना आपकी सोसाइटी में ही। सवेरे का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर आपके साथ ही किया करेंगे। कबाड़ी कहीं के? हाँ मैं कबाड़ी हूँ। अग्रवाल साहब प्लीज प्लीज कर करके कुछ जल्दी से कीजिए आप, क्योंकि संजू को गृह प्रवेश भी करना होगा। बीना जी मुझे गृह प्रवेश की फिक्र नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अगर इसकी सुहागरात हो गई तो हमारा जेल प्रवेश पक्का है, इसलिए इनकी सुहागरात आज तो क्या कभी भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ कीजिए ना। सोच तो रहा हूँ। आओ 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 भाई आओ आओ। अरे
चाबी चाबी कहाँ है अग्रवाल साहब? चाबी चाबी तो बीना जी चाबी आपके पास थी। नहीं नहीं अग्रवाल साहब, मेरे पास चाबी कभी भी नहीं थी। आपके पास थी। आपकी साड़ी में टंगी होगी। नहीं अग्रवाल साहब, मेरे पास चाबी नहीं है। ओ गॉड, चाबी कहाँ है? ओहो, अब इतनी रात को कोई चाबी बनाने वाला मिलेगा भी नहीं। तो एक काम करते हैं, चल के रात को ना समधन जी के यहाँ रहते हैं। समधी जी का भी तो घर है। हाँ, मतलब उनके यहाँ चलते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं। हाँ चलो चलो यारो, चलो चलो। मम्मी, यारो को अभी एकदम से याद आया, यारो ने खुद ने अमर और प्रेम को घर की चाबी दी थी वो रेडी करने के लिए। वो क्या यारो? वो क्या कहते हैं उसको, यारो भूल गया, सुहाग की सेज रेडी करने के लिए। मम्मी पापा, यारो ने अमर प्रेम को कहा था कि तुम घर का द्वार खुले रखना, मैं और संजू आके ग्रह कलेश करेंगे। ग्रह कलेश नहीं, ग्रह प्रवेश। Oh my dad, sorry, ग्रह प्रवेश, टेक्स्ट एनकोडिंग एरर। ये क्या होता है? अब यही रुको, मैं सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? ग्रह प्रवेश का, ओके? ये अमर और प्रेम की तो मैं जान ले लूंगी। ये इसका हाथ है, लेकिन डोंट वरी, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। इसलिए ही तो यारो तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जेल में जाओगे तुम लोग, जेल में। अमर, प्रेम, तुम लोग सच में कर करके यारो की सुहागरात की तैयारी कर रहे हो? जी। सजा सजा के बहुत अच्छा सजाया है। वैसे मैं कह के एक बात कहना चाहूंगी तुम दोनों को। अरे हाँ, बोलिए बोलिए। यही कि बस तुम दोनों अक्कल के दुश्मन हो, दुश्मन। पागल हो गए हो क्या? सेज सजा रहे हो मेरे यारों के लिए? Are you mad? अगर मन मन के उसकी सुहागरात बन गई तो संजू को पता नहीं चल जाएगा क्या कि मेरा यारो एक रूबो है? अरे बिन बिन के बिना जी, हमें ये बात पता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग घर की चाबी घूमने का बहाना बनाते तो क्या होता? क्या होता? यारो और संजू जो है ना, वो होटल चले जाते सुहागरात बनाने के लिए, और फिर वहां पर हुए नहीं होता। एटलीस्ट यहाँ पर हम सब हैं, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। हाँ वैसे कह तो सही रहे हो। देखिए बीना जी, अगर हम सुहाग की सेज नहीं सजाते ना, तो संजू को शक हो जाता कि दाल में कुछ काला है। एक काम करते हैं, हम सुहाग की सेज सजा लेते हैं, उसके बाद में सोचते हैं क्या करना है। ठीक है ठीक है। बीना जी क्या कर रही हैं? जी वेट कर रहे हैं ग्रह प्रवेश के लिए। आ रही हूँ यारो। आ गई, आ गई। सो सॉरी, हो कि ना आज ग्रह प्रवेश हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि घर में कच्चे चावल ही नहीं है। संजू तुम अपने घर जाओ ऊपर, ओके? और यारो तू चल चल के अंदर चल। मामी जी, अब मेरा घर वो नहीं है, ये है। और आप लोगों को जहाँ जाना है जाइए, पर मैं घर के अंदर आज ही आऊंगी, चाहे घर में कच्चे चावल हो या ना। बेटा संजू, बात को समझो। देखो, अगर कच्चे चावलों के साथ गृह प्रवेश ना हो ना, तो आगे चल के शादी भी कच्ची हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। पापा, यारो के पास चावल है। अरे बेटा, तू बूफे से चावल उठा के लाया होगा, पके हुए नहीं, कच्चे चावल चाहिए हमें। नहीं पापा, कच्चे चावल है यारो के पास। यारो आके तेरे पास कच्चे चावल कहाँ से आ गए? मम्मी, जब फेरे हो रहे थे, सब लोग ऐसे कर करके राइस को वेस्ट कर रहे थे, और पापा ने सिखाया है कि खाने का आदर करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यारो ने देखा और वो एक एक करके सारे दाने चुग लिए और अपने पास रख लिए, क्योंकि पापा ने जो बताया है वैसा ही करूंगा हमेशा। ये देखिए, सारे के सारे चावल लाया हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.